हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, पहले क्लासेस में भी थोड़ा कुछ हुआ है इसके बारे में, तो मैं फिर से बताना चाहूँगी। जब 1945 16 अगस्त 1945 को जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया था, तो देश में भीषण दंगे हुए थे, खून की नदियाँ बहाई गई थी, दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे को काट रहे थे, स्थिति बहुत भयावह हो गई थी। तो इसकी सूचना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इडली को दी। तो क्लेमेंट इडली ने उस समय यह घोषणा की कि अगर अगर कांग्रेस चाहे मुस्लिम लीग किसी भी बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं और वो अपने अपनी समस्याओं का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी करें, नहीं तो हम सत्ता किसी भी पार्टी को सौंप के वापस 30 जून 1948 तक वापस चले जाएंगे, सत्ता किसी को भी दे देंगे। इसी के बीच यह भी घोषणा की गई कि भारत को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए एक नया वायसराय भारत भेजा जाएगा, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा यह योजना लाई गई थी, इसीलिए इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन योजना या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, तो वह एक बहुत ही सरल तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की स्थिति को अच्छी तरह से जाना। वह लॉर्ड वेवेल से मिले, लेकिन लॉर्ड वेवेल ने उन्हें कहा कि भारतीय किसी भी बात पर इनकी समस्याओं को छेड़ना, अर्थात ऐसा है कि टेढ़ी खीर में उंगली डालना है। आप बस इतना करें कि जो ब्रिटिश रियासतों में अंग्रेजी अधिकारी है, बस उन्हें भी किसी तरह भारत से भगा ले जाना चाहें, बचा सकते हैं तो बचा के ले जाइए। लेकिन माउंटबेटन जो थे, वो बहुत बहुत ही सरल और सुलझे हुए स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की स्थिति को जाना और भारत की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। वो पहले नेहरू जी से मिलना जब महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी उस समय बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं नहीं मिल सकता। तो उसके पश्चात उन्होंने नेहरू जी से मिला। नेहरू जी को जब माउंटबेटन ने अपनी योजना बताई कि तो भारत के पृथक करना ही एकमात्र उपाय रह गया है, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो चुकी है, भीषण दंगे हो रहे हैं, तो नेहरू जी ने इसे नहीं स्वीकारा। उन्होंने कहा कि यह प्लान तो मुझे बाल्कन प्लान जैसा लग रहा है। जिस तरह आप लोगों ने बाल्कन को छिन्न भिन्न भिन्न कर दिया था, उस तरह भी हमारे भारत को भी कर देना चाहते हैं। लेकिन किसी तरह नेहरू जी को तैयार किया गया और बहुत सारे नेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी इसके समर्थन में नहीं थे। जिन्ना तो इनके समर्थन में था ही, जो कि बहुत पहले से ही पृथक राष्ट्र की मांग कर रहा था। तो फिर ऐसा हुआ कि जो नहीं मान रहे थे, लेकिन किसी तरह इनको माना गया और अंत में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पास किया कि भारत का पृथक्करण किया जाएगा। फिर यही योजना लेकर लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन पहुंचे और वहां ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लॉर्ड क्लीमेंट इडली ने इस प्रस्ताव को पेश किया। 4 जुलाई 1947 को यह योजना पेश की गई लॉर्ड हाउस ऑफ कॉमन्स में, और 15 जुलाई को वहां से पारित हो गया। इसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड में यह योजना प्रस्तुत की गई, तो वहां से भी यह 16 जुलाई को पारित हो गया। इसके बाद सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया 18 जुलाई 1947 को, और यही जो एक प्रस्ताव था, इसी को माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन प्लान या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया, जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो इस प्रकार थे। इस प्रकार थे स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता पहले 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 पहली तो यह थी कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात दो डोमिनियन भारत तथा पाकिस्तान बनेंगे। दो डोमिनियन अर्थात अधिराज, दोनों अधिराज्यों के अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे। पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होंगे और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने, जो भारत में प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जवाहरलाल नेहरू को, और वहाँ पाकिस्तान में भी मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई होगी। यह सब योजना अभी बन रही थी, अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन इसी योजना के तहत भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दोनों देशों की अलग अलग संविधान सभा होंगी, लेकिन जब तक संविधान बन नहीं जाता, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसी के तहत भारत का भारत
भारत का शासन चलाया जाएगा, संविधान सभा ही विधान मंडल होगी, उसी के तहत सारे कानूनों का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटेन की संसद का भारत में, अब ब्रिटेन की संसद का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। भारत का जो एक ब्रिटिश सम्राट होता था वो नहीं रहेगा, भारत मंत्री भी नहीं रहेगा, इनका पद भी समाप्त कर दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया जाएगा, निर्धारित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। अब भारत पाकिस्तान की सीमा के आयोग का गठन कैसे होगा, तो बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जो मुस्लिम बहुल थे, जैसे कि सिंध, बलूचिस्तान, असम के सामने एक सिलहट था, वो तो पूरी तरह से पाकिस्तान में चला गया, और बचे पंजाब और बंगाल। पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया, और पूर्वी बंगाल जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश था, जिसको ऐसे ही तो सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो इसलिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसको कि पंजाब और बंगाल को अलग अलग करना था। इसके लिए आयोग का गठन किया गया, पंजाब में एक आयोग का गठन किया गया और एक बंगाल में किया गया। लेकिन और कहा गया कि दोनों एक चीफ मतलब एक ऐसे व्यक्ति का गठन को जो सीमा का निर्धारण कर सके, लेकिन दोनों में सहमति नहीं बनी। अंततः ब्रिटेन के ही एक व्यक्ति सर रेडक्लिफ को बुलाया गया, उन्होंने सीमा का निर्धारण किया, पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान में दे दिया गया और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया और उधर का हिस्सा इधर में रहा। इसीलिए जो पाकिस्तान की जो सीमा है, इसे रेडक्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा है उसे रेडक्लिफ सीमा की, क्योंकि सर रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। देसी रियासतें जिधर चाहे पाकिस्तान में चाहे मिलना चाहे पाकिस्तान में मिल सकती है, भारत में मिलना चाहे भारत में मिल सकती है, नहीं ना चाहते या स्वतंत्र रहना चाहते रह के अपना संविधान का निर्माण करना चाहती है तो संविधान का निर्माण कर सकती है। सेना का भी विभाजन कर दिया गया। कॉमनवेल्थ राष्ट्रों में शामिल होने के भारत को छूट थी, चाहे दोनों राष्ट्रों को छूट थी। इस योजना के तहत भारत 14 अगस्त 1945 की मध्य रात्रि में भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। यह भारत के लिए एक बहुत ही खुशहाल दिन था, लेकिन इसके साथ साथ ही भारत के लिए यह बहुत दुख भरा दिन था, क्योंकि जो इतने दिन एक साथ रह रहे थे, जो लोग इतने दिन से एक साथ रहते उनका विभाजन हो गया था। अब लोग बहुत जो करीबी लोग थे जो उनका बहुत ही मतभेद हो रहे थे, अभी भी प्रदेश में बहुत मतभेद हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, लेकिन यह भारत के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय था कि भारत का विभाजन हो गया और भारत को अब आज़ादी मिल गई। इस तरह हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का जो सारे टॉपिक थे वो भी क्लियर हो चुके हैं, मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्या टॉपिक लेके आती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।